एवं विभिन्न प्रखंडों से आए हुए सम्मानित प्रखंड अध्यक्षगण, पिता अतुल हमकापो, नौजवान साथियों, मित्रों, पत्रकार के साथीगण, साथियों, ये कार्यक्रम निर्धारित है कि सांगठनिक विस्तार एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो इस बार 100वां जन्मदिन है, वो जन्म शताब्दी समारोह की तैयारी की बैठक है। इस कार्यक्रम के बारे में आप सभी जानते हैं कि बिहार के शिल्पकार, बिहार के विश्वकर्मा के नाम से न केवल देश बल्कि दुनिया जानती है, जिसका नाम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी है। उस श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज से कुछ ही दिन पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनको मनोनीत करने का काम किया, आग्रह विनती करके, और उनके नेतृत्व में पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी समारोह ये कार्यक्रम आयोजित है। इसलिए हम साथियों को चुनौती के रूप में इस कार्यक्रम को लेना है, और बिहार के ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी ने जो 10,000 का टारगेट सीतामढ़ी के दिया है, मैं अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन प्रभारी जी के माध्यम से मैं अध्यक्ष जी को स्वस्थ करना चाहता हूं कि सीतामढ़ी जिले से 10,000 नहीं बल्कि 15,000 लोग यहां से जाएंगे और सीतामढ़ी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहेगा। साथियों, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, आप ए भाई, चाय वाले भाई, शांति से चाय पीजिए। ये हम लोगों का सौभाग्य रहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जब अंतिम जीवन का संसदीय क्षेत्र सीतामढ़ी जिले के तत्कालीन विधान परिहार विधानसभा क्षेत्र था, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से सीतामढ़ी के व्यक्तिगत काफी लगाव था, काफी जुड़ाव था, और परिहार से भले ही वो जनप्रतिनिधि रहे, लेकिन सीतामढ़ी जिले के जो तत्कालीन जितने भी जनप्रतिनिधि है, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के आंदोलन का परिचय है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के संघर्ष का द्योतक है। हमारे यहाँ पूर्व सांसद स्वर्गीय नवल किशोर राय जी रहे हैं, स्वर्गीय अनवारुल हक साहब रहे हैं, सब लोग कर्पूरी ठाकुर से बहुत करीब से जुड़ करके संघर्ष किया है, और उसका परिणाम है कि आज सीतामढ़ी जिला समाजवादियों का घर रहा है। साथियों, आपको फैसला करना है। पत्रकार के साथी पूछ रहे थे कि 24 जनवरी 2024 का जो कार्यक्रम है, वो 24 की तैयारी नहीं तो है। जनता दल के कार्यकर्ता वर्ष 2024 नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए 24 घंटा तैयारी में है। जहां और जिस रूप में उसको खरीदाना होगा, जनता दल के कार्यकर्ता इस बार 40 से 40 सीट बिहार से चुनाव में जिताकर भेजने का काम करेगी। फैसला आपको लेना है। एक और भारतीय जनता पार्टी है जो गांव-गांव में अक्षत बांटने का काम करती है, पर्चा बांटने का काम करती है, और एक और देश के पहले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है जो देश नहीं दुनिया में रिकॉर्ड कायम करता है कि आज ही के दिन 1,25,000 लोगों की नौकरी देने का काम करेगी। फैसला आपको करना है कि अक्षत बांटने वाला भारत का भविष्य लिखेगा, नौकरी बांटने वाला भारत का भविष्य लिखेगा। ये फैसला बिहार को करना है, और इस बिहार के फैसले में सीतामढ़ी का अहम योगदान होना चाहिए। आपको फैसला लेना है कि एक और भारत के मुख्यमंत्री पहली बार आजादी के पहली बार 77 वर्षों में अगर समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को आरक्षण देकर प्रखंड का प्रमुख, जिला परिषद का अध्यक्ष, पंचायत का मुखिया अगर बनाने का काम किया इस आजादी में, तो उसका नाम श्री नीतीश कुमार जी है। और जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, आप केवल हिंदू भाइयों के ही नहीं बल्कि मुसलमान भाइयों भी, जो पिछड़ी जाति के लोग थे, अंसारी समाज के लोग थे, कबारी समाज के लोग थे, वो आज प्रखंड के प्रमुख आपके बाजपट्टी के बगल में है। आपके बगल में बाजपट्टी है जहां का प्रमुख अति पिछड़ा के नाम पर बने हुए हैं। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, उस गांव में आप अल्पसंख्यकों के रीगा प्रखंड का रमनगरा है, जहां तो 400 की संख्या है, लेकिन अंसारी भाई को आरक्षण के तहत वहां मुखिया बनने का सौभाग्य दिया। ये काम दूसरा नहीं, केवल और केवल श्री नीतीश कुमार जी ने किया।
और जो काम इस देश में कोई नहीं किया, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड, गांधी, लोहिया, अंबेडकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित है। 50% महिलाओं का आरक्षण हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है, जिन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया नगर निकाय के चुनाव। आपको एक और सम्मानित करने का काम किए श्री नीतीश कुमार जी, समाज के कमजोर वर्ग के लोग, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अकलियत भाइयों को। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के पिछले विगत 14 के लोकसभा में घूम घूम कर कहा कि देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, उस आरक्षण को समीक्षा करने की जरूरत है। मोहन भागवत ने पूरे देश में घूम घूम कर कहा था, और इसका उदाहरण सामने आ गया कि विगत जो हमारा नगर निकाय का चुनाव हुआ है, नगर पंचायत और नगर परिषद का चुनाव हुआ है, आरक्षण के कारण चुनाव कुछ दिनों के लिए टल गया। और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने माननीय उच्च न्यायालय से लड़ करके और आपको पुनः आरक्षण दे करके नगर निकाय, नगर परिषद और नगर पंचायत में चुनाव कराने का काम किया। आप स्वस्थ हो जाइए कि जब तक ये इंडिया गठबंधन है, देश में आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि आरक्षण को इस देश से समाप्त कर देगा। या आप स्वस्थ होकर जाइए। अंबेडकर, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर के अधूरे सपने को समाप्त करने की क्षमता आरएसएस और मोहन भागवत और भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। लेकिन इसके लिए हमको स्वीकार करना होगा ये वर्ष 2024 का जो चुनाव है, ये पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अकलतों के लिए, समाज सवर्ण समाज में जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके अस्तित्व की लड़ाई है। इस चुनाव को चुनौती के रूप में जाइएगा। अगर थोड़ी सी भूल कर गए तो भारतीय जनता पार्टी इस देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। एक और हम बेरोजगारी के दल झेल रहे हैं, वही अमित शाह जो पद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है थे, उन्होंने घूम घूम कर कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में हम 10 लाख रुपया देंगे। कोई साथी है तो हाथ उठाकर बोले कि मेरे खाते में 5,000 रुपया भी आया हो। लेकिन एक और झूठी वादा करने वाला नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो कहा कि 15-15 लाख प्रत्येक खाते में पैसा देंगे, प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार को रोजगार देंगे। लेकिन रोजगार दिया नहीं, रोजगार छिन गया, भेल को, सेल को, रेल को बेच दिया। वही दूसरी ओर न केवल बिहार, न केवल हिंदुस्तान, बल्कि दुनिया के पहला मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है कि लाइन में खड़ा करा करके पहली बार नहीं, दूसरी बार 1.25 लाख लोगों को एक दिन में नौकरी देने का काम किया है। ये श्री नीतीश कुमार जी है, और इसी का नाम जनता दल यूनाइटेड है। इसीलिए आप सब एक संकल्प लेकर जाइए कि हमको खबर आवे या ना आवे, हमको सूचना आवे या ना आवे किसी साथी के माध्यम से, पर्चा भी हमको मिल गया, अखबार में भी पढ़ लिए कि श्री नीतीश कुमार जी का पटना में बुलाहट है, दिल्ली में बुलाहट है, सीतामढ़ी में साथी बुलाया है, तो जिस प्रकार आप दाहा में, तजिया में, झंडा में, दुर्गा पूजा में समय निकाल लेते हैं, अपने सगे संबंधियों से माफी मांग लेते हैं कि आज तजिया है, हम दूसरे काम में नहीं जाएंगे, उसी प्रकार संकल्प लेकर जाइए कि जब चुनाव का समय आएगा तो अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए समय निकाल करके नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक एक कदम बढ़कर हम आगे चलने का संकल्प लेकर यहाँ से जाइए। अभी तक जो हम संगठन बनाए थे, या अभी तक जो मेरा संगठन बना है, वो आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके संघर्ष से हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार को 18 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। और अब आपको जो संघर्ष करना है, अब आपको जो संकल्प लेना है और आपको जो संगठन बनाना है, वो
वो इसीलिए बनाना है कि वर्ष 2024 में बिहार का बेटा और बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लाल किले से झंडा फहरावे, ये संकल्प लेकर यहाँ से आपको जाना होगा। और ये संकल्प तभी संभव हो पाएगा जब आज से और अभी से संगठन के माध्यम से हम एक दूसरे के माध्यम से जुड़कर संगठन का काम करेंगे। दूसरी ओर भाई बोल रहे थे जफरुल्ला भाई जातीय जनगणना के बारे में, आपको जानकारी होगी कि अंग्रेजी हुकूमत में वर्ष 2035 में जो जातीय जनगणना हुआ था, इसके बाद आजादी के 77 वर्षों के बाद भी जातीय जनगणना इस देश में नहीं हुआ, लेकिन जानवरों की गिनती हुई। भैंस कितना है, बैल कितना है, जानवर की गिनती इस देश में हुई, लेकिन आदमी की गिनती नहीं हो सकी। ये काम आजादी के बाद कोई पहला व्यक्ति किया तो उसका नाम श्री नीतीश कुमार जी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बीच में भी बरगला रहे हैं कि जातीय जनगणना होने से सवर्ण जाति को घाटा होने वाला है, पिछड़ी जाति को घाटा होने वाला है, किसी खास व्यक्ति को, किसी खास धर्म को फायदा होने वाला है। लेकिन आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है जिन्होंने ये जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी 65% और 10% सवर्ण भाइयों को, जो कमजोर भाई है उनको भी साथ लेकर चलना है। इसलिए 75% देश में किसी एक राज्य में अगर आरक्षण है तो उसका नाम बिहार है। और इस बिहार के हम लोग संकल्पित होकर जातीय जनगणना हमारा पर्चा में मांग है। 24 जनवरी 2024 के हमारे नेता देश के भविष्य और बिहार के शिल्पकार श्री नीतीश कुमार जी ऐलान करेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को अभी तक भारत रत्न की उपाधि क्यों नहीं मिला। इसलिए कि वो पिछड़ा का बेटा है, इसलिए कि वो कमजोर जगह से आते हैं, इसलिए कि वो बिहार का है। जब आपने सबको सम्मानित करने का काम किया तो फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर को क्यों नहीं। जबकि बिहार के दोनों सदन, बिहार विधानमंडल के बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से पास होकर भारत सरकार को यह भेजा गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दो, नहीं मिल रहा है, उसकी भी संघर्ष उस दिन करेंगे। और दूसरा, जब बिहार में जातीय जनगणना हुआ है तो देश में भी जातीय जनगणना हो, ये मांग भी उस दिन उठेगा। हमारे पर्चा में है, हमारे डिमांड में है कि केवल बिहार में नहीं पूरे देश में अगर जातीय जनगणना होगी तो पूरे देश के लोगों को इसको फायदा होगा। अभी तक तो भारत सरकार या राज्य सरकार जो योजना बनाती है वो 1935 के जातीय जनगणना के आधार पर बनाती है। अब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो आंकड़ा बनाया है, जो भी बिहार में विकास बनेगा, जो योजनाएं बनेगी, उस सारे योजनाओं को जातीय आधारित, आर्थिक आधारित जो गणना है इस आधार पर बनेगा। इसलिए आप संकल्प लेकर जाइए और ये भी जान जाइए कि हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन में भी रहे, लगातार बिहार की खिदमत किया, लेकिन हिंदुस्तान में पहले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है 18 वर्षों तक लगातार राज्य करने के बावजूद भी एक भी धार्मिक उन्माद बिहार में नहीं हुआ। ये उदाहरण केवल श्री नीतीश कुमार जी। बगल के राज्य है उत्तर प्रदेश, बगल के कई राज्य है जहां थोड़े थोड़े दिन के लिए भी मुख्यमंत्री बने तो जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैला करके सत्ता काबिज करने का काम किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे, लेकिन उसकी हैसियत नहीं थी कि कोई अल्पसंख्यक भाई को छूने का भी काम करे। इसलिए आप उतना ही सुरक्षित है जितना हिंदू भाई हैं। हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, सब लोग मिलकर बिहार का हम विकास किए हैं और आने वाले समय में भी हम बिहार का विकास करेंगे। इसलिए आप संकल्प के साथ जाइए कि अगर सुरक्षित है तो आपके सेवा किया है, आपकी जो खिदमत किया है उस खिदमत की मजदूरी के रूप में वर्ष 2024 और वर्ष 2025 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कोशिश करिए कि हम पूरा करने का काम करें। क्योंकि उन्होंने ही आपको सही कहे कि एक एक शिक्षक जो मदरसा में थे उनका तनख्वाह 2,000, 3,200, 3,400 था, आज 25,000 से 50,000 रुपया, जिसके लिए धार्मिक उन्माद होता था, आपसी भाईचारे, सामाजिक सद्भाव खराब हो जाते थे, आज एक एक
श्मशान को घेरा गया है, चार दीवारी किया गया है, कि किसके राज में संभव है। लोग धार्मिक वातावरण पैदा करना चाहते हैं। यह वही बिहार है जहां बाथे नरसंहार होता था, यही बिहार है जहां भागलपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, लेकिन 18 वर्ष को राज में न एक भी जातीय उन्माद, न एक भी धार्मिक उन्माद, बल्कि एक सामाजिक स्वभाव का वातावरण कर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने काम किया।